कांगड़ा पर्यटन और धार्मिक स्थल अब डस्टबिन फ्री हो गया है। गौरतलब रहे कि हजारों की तादाद में हर दिन श्रद्धालु यहां मां ब्रजेश्वरी माता के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं और ऐसे में कांगड़ा को साफ सुथरा रखना नगर परिषद के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। उसी को मद्देनजर रखते हुए नगर परिषद कांगड़ा शहर को साफ सुथरा रखने के लिए नप अध्यक्ष ने हर घर को निःशुल्क डस्टबिन बांटने की योजना शुभारम्भ की है। कांगड़ा पर्यटन और धार्मिक स्थल अब डस्टबिन फ्री हो जाएगा। आपको बता दें कि हजारों की तादाद में हर दिन श्रद्धालु यहां ब्रजेश्वरी माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और ऐसे में कांगड़ा को साफ सुथरा रखना नगर परिषद के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इसी के मद्देनजर नगर परिषद कांगड़ा शहर को साफ सुथरा रखने के लिए नगर परिषद अध्यक्ष ने हर घर को निःशुल्क डस्टबिन बांटने की योजना का शुभारम्भ किया। कांगड़ा शहर के हर घर को नगर परिषद दो डस्टबिन देगा, जिसमें लोगों को गीला व सूखा कचरा रखना होगा। इसके बाद रोजाना की तरह सफाई कर्मी घर से कूड़ा उठा लेंगे। शहर से पहले ही डस्टबिन उठा लिए गए हैं ताकि लोग कूड़ादानों में कूड़ा ना फेंके। नगर परिषद अध्यक्ष अशोक शर्मा ने वार्ड नंबर 5, 7 और 9 के बाशिंदों को नीले व हरे रंग के कूड़ेदान निःशुल्क बांटे और जल्द ही सभी वार्डों के घरों को ये कूड़ादान पहुंचा दिए जाएंगे। शर्मा ने बताया कि एक सप्ताह के भीतर नगर के सभी वार्डों में घर घर ये कूड़ादान पहुंचाए जाएंगे। सफाई कर्मी घर घर जाकर कूड़ा उठाएंगे और इसकी एवज में नगर परिषद 50 रुपये प्रति घर प्रति महीना वसूलेगा। नगर परिषद के डूंगा बाजार कॉलेज रोड के व्यस्त चौराहों पर CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे ताकि कूड़ा कचरा फैलाने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। नगर परिषद कांगड़ा जो डोर टू डोर एक हमने कलेक्शन शुरू की है, उसमें बाहर से हमारे 25 बंदे आए हैं और वो घर घर से कूड़ा उठा रहे हैं। लोगों को हमने जागरूक करने के लिए अब हर घर में दो दो डस्टबिन देने शुरू किए हैं। इसमें दो डस्टबिन दे रहे हैं, ग्रीन कलर का और ब्लू कलर का। ब्लू कलर में जो सूखा कचरा डाला और ग्रीन में किचन वेस्ट, जैसे सब्जियाँ फ्रूट वगैरह वो गीले कचरे में आएगा, वो किचन वेस्ट सारा उसमें डालना। ये लोगों को हम ये एजुकेट कर रहे हैं कि ताकि जो कूड़ा जो है वो ठीक ढंग से सेग्रीगेट होके आए, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जो किचन वेस्ट है उससे हम यहाँ पर खाद बनाएंगे। गौरतलब है कि नगर परिषद कांगड़ा ने 1882 घरों, 1216 दुकानों, 23 ढाबों, 17 स्कूलों, 15 दूसरे संस्थाओं और 28 सरकारी संस्थाओं के अलावा डिग्री कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज से डोर टू डोर कूड़े को उठाया जा रहा है और इसका सही ढंग से निष्पादन भी किया जा रहा है। परिषद ने होटल व रेस्टोरेंट मालकों से भी बैठक की है। होटल मालकों से परिषद ने कहा है कि उन्हें होटल के हर कमरे व रसोई में गीला व सूखा कचरा रखने के लिए डस्टबिन खुद रखने होंगे। सूखा व गीला कचरा अलग अलग रखने से हर किसी को सहूलियत होगी। ऐसा ना करने की सूरत में नगर परिषद होटल व रेस्टोरेंट संचालकों का कूड़ा नहीं उठाएगा।